गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस सर्वेश नागर और मैं श्री अरविंद वाईएस में आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने पिछला लेक्चर एंजॉय किया होगा और आज हम पढ़ेंगे लैंड रिफॉर्म्स, इकोनॉमी का दूसरा लेक्चर जिसमें पढ़ने वाले हैं लैंड रिफॉर्म्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो लैंड रिफॉर्म्स होते क्या हैं। ठीक है, देखो लैंड रिफॉर्म से जो मतलब है वो ये कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग हुम दोज हु आर लैंडलेस। अगर मैं परिभाषा लिखने की बात करूं तीन शब्दों में, तो हम कैसे कह सकते हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग फार्मर्स, ओके, विद द एम ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड एंड डिक्रीजिंग पॉवर्टी, एंड फ्रॉम हुम लैंड विल बी टेकन, फ्रॉम दोज हु हैव सरप्लस लैंड, फॉर हुम दोज हु आर नीडी और लैंडलेस। तो लैंड रिफॉर्म की परिभाषा क्या है भारत में, भारत के दृष्टिकोण से, उसमें भले रेगुलेशन हो, लीजिंग हो, ऑपरेशन हो, इसके संबंध में जो रिफॉर्म्स किए जाएंगे उनकी बात हो रही है। रिफॉर्म्स करके भूमि का समता पूर्वक इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कि उससे उत्पादकता बढ़े, गरीबी घटे, और उनसे भूमि ली जाएगी जो जिनके पास सरप्लस लैंड है और उनको दी जाएगी जिनके पास नहीं है या न्यूनतम है। ठीक है, तो हम इसमें एमपीपीएससी और यूपीएससी के भी एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। जैसे कि अगर मैं एमपीपीएससी की बात करूं, उसमें डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कॉन्सेप्चुअली, फैक्चुअली सब तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वहीं फैक्ट से ही आपके कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। तो हम कई सारे आर्ग्यूमेंट भी रखेंगे, उनका जस्टिफिकेशन भी देंगे, क्या कारण थे भारत में लैंड रिफॉर्म इतने लेट शुरू हुए या उनका रिजल्ट बहुत बाद में आया और जो रिजल्ट आया वो भी इतना संतोषजनक नहीं रहा। तो कई सारी चीजें हैं। तो विल स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एंशियंट पीरियड। ठीक है, जो प्राचीन भारत था उस जो रिलीजियस टेक्स्ट है वहां पर, जो पुराण है और जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, उनमें ये रेफरेंस दिया गया है कि भूमि उसी की होती है जो कल्टीवेट करता है। लैंड बिलोंग्स टू हुम द मैन हु कल्टीवेट द लैंड, सिंपली भूमि उसी की होती है जो भूमि पर खेती करता है। यहां पर जो जानने वाली बात यह है कि हियर इज नॉट ब्रोकर, मीडिएटर और जमींदार, लैंडलॉर्ड्स कोई भी नहीं है यहां पर। ठीक है, ना तो कोई जमींदार है ना कोई लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो फिर जब हम आगे जाते हैं, मुगल एरा में कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए, कुछ कृषि सुधार हुए, और उन कृषि सुधारों में क्या किया, अकबर के समय जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर था, आप नाम जानते हैं उसका, टोडरमल, जो उनका फाइनेंस मिनिस्टर था, तो उसने भूमि को मेजरमेंट किया, क्लासिफाइड किया। देन व्हाट ही डिड, ही फिक्स्ड रेट अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से उन्होंने रेवेन्यू की रेट फिक्स कर दी। तो ये रिफॉर्म्स ही हुआ, बट यहां तक हमारे जो रिफॉर्म्स है दे आर नॉट आस्ट इन एग्जामिनेशन, बट वी शुड नो द जर्नी हाउ इट बिगेन एंड हाउ इट एंड्स। ठीक है, देन द ब्रिटिश पीरियड केम। तो ब्रिटिश जो लोग आए थे, हम उसको भी देख लेते हैं, उसके एस्पेक्ट्स क्या थे। तो सबसे पहले जो आए थे वो क्यों आए थे, यहां पर देख लीजिए, क्यों, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडिया। क्यों आए थे, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन ऑफ इंडिया, भारत के आर्थिक शोषण के लिए। ठीक है, अगर कारण पता पता रहेगा तो हमको उसको उसके जो ऑपरेशंस क्या हुए, इंपैक्ट क्या हुए, बताना आसानी होगा। ठीक है, देन उन्होंने क्या किया, न्यू लैंड ओनिंग सिस्टम दे इंट्रोड्यूस्ड, जो भूमि का मालिकाना हक रहता है उसका नया पैटर्न ही इंट्रोड्यूस कर दिया। वो पैटर्न किस फॉर्म में था, वो पैटर्न था आपका परमानेंट लैंड सेटलमेंट, रैयतवाड़ी लैंड सिस्टम, देन द महलवाड़ी लैंड सिस्टम। देखिए तीनों ही जो लैंड सिस्टम थे उसने भारत में कहीं ना कहीं डिस्ट्रेस, डेपनेस और गरीबी और स्टार्वेशन को बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं अगर मैं वन बाय वन बात कर लेता हूं, तो परमानेंट जो लैंड सेटलमेंट है उसमें क्या किया इन लोगों ने, कि जो एक कृत्रिम वर्ग उत्पन्न किया, एक नई क्लास उत्पन्न कर दी जमींदारों की। ठीक है, जो भारत में एग्जिस्ट तो करती थी लेकिन वो भूमि के स्वामी नहीं थे, बट व्हाट अंग्रेज डिड, दे मेड देम ओनर ऑफ द लैंड, और रातों रात कई सारे जो जो काश्तकार थे, जो टेनेंट थे, वो अपनी भूमि पर किराएदार हो गए। ठीक है, तो उनकी बात हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, ये कब आया आपका ये वाला रिफॉर्म्स, ये आया आपका 1793 में। कौन लाया इसको, कॉर्नवॉलिस, कहा
बंगाल, बिहार, आसाम एंड ओडिशा। ठीक है, 1793 लाया कौन? कॉर्नवालिस, बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा। तो हम जब इसकी बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर कौन सा क्षेत्र है, ये वाला मेनली ईस्ट बंगाल बिहार उड़ीसा वाला क्षेत्र है। तो जहाँ पर जो रिफॉर्म्स हुए उसने एक नई क्लास को जन्म दिया और इससे कई समस्याएं आई आगे चलकर। फिर आपका रैयतवाही लैंड सिस्टम, और ये कब आया? ये आपका आया 1820 में, 1820 में। और कौन लाया इसको? थॉमस मुनरो। इंप्लीमेंटेड मेनली इन मद्रास प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी। ये प्रेसिडेंसी अंग्रेजों के वो इलाके हुआ करते थे जो मेनली उनकी फैक्ट्री गढ़ हुआ करते थे। एक कोलकाता एक गढ़ है तो वहां पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी नाम दे दिया गया। जैसे बॉम्बे एक गढ़ था तो उनका बॉम्बे प्रेसिडेंसी नाम दे दिया गया। जैसे मद्रास एक गढ़ था उनका फैक्ट्रियों का तो मद्रास प्रेसिडेंसी नाम दे दिया गया। कहने का मतलब है जो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी ट्रेड के लिए, वहां वहां उन्होंने उनकी स्ट्रोंग होल्ड बना ली और उनको प्रेसिडेंसियों का नाम दे दिया, क्षेत्र को बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे। ठीक है, देन द लास्ट वन इज दैट महलवारी सिस्टम। कब इंट्रोड्यूस किया गया? 1822 में बाय हॉल्ट मैकेंजी। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी। और कहाँ? मेनली आपका पंजाब, पंजाब, हरियाणा, यूपी जो आज का अवध है, और सॉरी यू अवध जो कि आज का यूपी है। ठीक है, इन जो भी सिस्टम थे इसके कारण कई सारी चीजें वो देखने को मिली। देखिए, व्हाट ब्रिटिशर्स डिड, दे डिड दीज रिफॉर्म्स डेलिबरेटली, और वो रिफॉर्म्स अपने पक्ष में नहीं थे, दोज रिफॉर्म्स वर इन द फेवर ऑफ इंपीरियल रूल। ब्रिटिशर्स के बारे में बता दूं, अगर कोई अच्छा काम भी होगा तो उसका उनके लिए फायदा होगा, ना कि हमारे लिए। और इसकी मैं एक्सटेंट बताता हूं। इफ ब्रिटिश स्नीज, अगर ब्रिटिशर्स जो गोरा लोग हैं वो छींकते भी थे, इवन देन उसमें भी कोई ना कोई एक आर्थिक लाभ का एक बिंदु होगा। तो यहां तक, हद तक उन्होंने भारतीय एक्सप्लोरेशन के लिए एजेंडा बना रखे थे। तो दीज आर नॉट द रिफॉर्म्स, बट दीज आर एक्शंस टेकन इन द फेवर ऑफ इंपीरियल रूल। तो इनके जो आउटकम हुए वो क्या हुए? देखिए, सबसे पहला जो आउटकम को नजर आता है वो क्या है? पावर्टी। क्या है? पावर्टी। भारत में जो एग्रीकल्चर है वो एक बेसिक यूनिट है बिजनेस करने का और पूरी इकोनॉमी का ही। लेकिन अगर वही एग्रीकल्चर लॉस में चला जाए, हम जानते हैं ना कि जो पूरा का पूरा मैनचेस्टर, लंकाशायर, लंदन का जो पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल हब है वो बना कैसे? एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय जो कृषि है उसकी कॉस्ट पर सारा का सारा लंकाशायर और मैनचेस्टर का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो जो सारे के सारे अगर रिसोर्सेस जो है कि सारे के सारे रिसोर्सेस अगर वहां चले जाएंगे तो भारत को मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। तो सबसे बड़ा जो आउटकम हुआ वो क्या हुआ? पावर्टी। देन दूसरा बड़ा जो आउटकम हुआ है वो क्या है? स्टारवेशन, भुखमरी। क्या है? भुखमरी। आपको पता है स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी बड़ी चुनौती थी भुखमरी से निपटने के लिए, जो आज भी चली आ रही है, इन्हीं की देन है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि 1943 में जो बंगाल से जहाज कहाँ भेज, चावल के बड़े जहाज कहाँ भेज दिए गए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लंदन के लिए, और वो यहाँ नहीं रखे गए भारतीय लोगों के लिए। और ये डिसीजन किसका था? चर्चिल। हो सकता है जो अकाल है वो मानसूनी हो या पर्टिकुलर प्राकृतिक हो, लेकिन इनके एक्शंस के कारण ये मानव निर्मित भी होने लगे। तो यही कारण है कि भारत में स्टारवेशन अगेन एंड अगेन, जो भुखमरी बार बार आती रहती थी, अकाल आते रहते थे और कई लोग मरते रहते थे। डेपनेस ऑफ फार्मर। अगला क्या है?
डेप्थनेस ऑफ फार्मर, भारत में कई किसान आज भी ऋणग्रस्त थे और तब भी ऋणग्रस्त थे। तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर है कि जो एग्रीकल्चर है वह कमर्शियल तो हो गया था, बट किसके लिए कमर्शियल हुआ यह हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो जो आउटकम है किनका, ब्रिटिश लैंड ओनिंग सिस्टम का, इट वाज वर्स्ट, इट इम्पैक्टेड द होल इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और जिसकी जो कड़ी विरासत है हम आज तक ढो रहे हैं। और आज भी किसान जब सुसाइड करता है तो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम को हम दोष देते हैं, जो कि चला आ रहा है कहां से, ब्रिटिश काल से। सिंस इंडिपेंडेंस क्या क्या डेवलपमेंट हुए, देखिए सिंस इंडिपेंडेंस जो डेवलपमेंट हुए उनमें देख लेते हैं। पहला डेवलपमेंट है आपका पर्पस एंड कॉजेस। देखिए भारत में जो लैंड रिफॉर्म्स हुए उसका कारण क्या था, मोटिव क्या था। एक तो जो द रायता रोल आउट एवरीवेयर बाय ब्रिटिशर्स, हमको वो समेटना था, जो रायता फैला हुआ सब जगह उसको समेटना था हमको। तो व्हाट वी डिड, हमने क्या किया कि जो नए जो 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 डीमेरिट्स आ गई थी इस सिस्टम के द्वारा उसको हमने अलग कर दिया। मैं आपको कुछ बिंदु बताता हूं, जैसे कि सबसे पहले तो हमने क्या किया, अबॉलिशन ऑफ मीडिटरीज। किनकी बात है, जो एबॉलिशन ऑफ मीडिटरीज, मध्यस्थों को हटा दिया सारा, जो जमींदार लैंडलॉर्ड्स थे। ठीक है, तो एक तो देखो, एक होता है जो डीमेरिट्स है उसको दूर करना, एक होता है जो डीमेरिट्स है उसको दूर करना, और दूसरा जो है कि नई स्टेप्स कौन सी है कि डीमेरिट्स के दूर करने के बाद वो और बेहतर बन सके। तो एक होता है डीमेरिट्स को दूर करना और दूसरा है मेरिट्स उसमें जोड़ना, हम दोनों पर बात करेंगे। तो ये तो हो गया आपका एबोलिशन ऑफ मीडिएटर्स। फिर दूसरा क्या है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, और फिर क्या है, नए गोल्स भी तो सेट किए गए, नए गोल्स भी तो सेट किए गए। कौन से, जैसे कि पावर्टी इराडिकेशन, पावर्टी इराडिकेशन, स्टारवेशन से मुक्ति, भुखमरी से मुक्ति, और अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल, और प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल, ट्राइबल पीपल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल पीपल। ठीक है, तो पावर्टी, ये बड़े बड़े इनके लक्ष्य थे। फिर एक कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी तो एक एजेंडा था, डेवलपमेंट भी एक एजेंडा था। ऐसा नहीं कि भूमि सिर्फ किसानों को बांट दी गई, मध्यस्थों को हटा दिया, कहीं ना कहीं रिफॉर्म्स के पीछे यह भी हाथ था कि भारत का विकास और विनिर्माण क्षेत्र में भी तरक्की की जाए। और फिर टेनेंसी रिफॉर्म्स भी इसमें एक बिंदु था, टेनेंसी रिफॉर्म्स भी एक बिंदु था। तो जो किए गए इसके लिए, यही तो इनके पर्पस थे, भुखमरी मिटाना, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना, मध्यस्थों को हटाना, डेवलपमेंट, विनिर्माण, ट्राइबलों की सुरक्षा, स्टारवेशन से मुक्ति, भुखमरी से मुक्ति और गरीबी मिटाना, ये इनके मोटे मोटे लक्ष्य थे। और इन लक्ष्यों के लिए सरकार ने क्या किया, हम इसमें देखेंगे क्या है इनके एक्सपेरिमेंट्स और एक्शंस, सरकार ने कौन कौन से एक्शन और एक्सपेरिमेंट लिए, तो हम इस पर देख लेते हैं थोड़ा। जो पहला काम था इनका क्या, लेजिस्लेशन का, क्या था लेजिस्लेशन का पहला काम था। लेजिस्लेशन कौन सा, जैसे सीलिंग एक्ट, सीलिंग जो लैंड है उनकी हद बांध दी, उनकी हद बांध दी गई कि आप 27 एकड़ से ज्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, तो वो किया, 27 एकड़ वाला एक नियम बना दिया उन्होंने सीलिंग से। फिर जमींदारी एक्ट के, तो जमींदारी अबोलिशन एक्ट, उसके द्वारा क्या किया इन लोगों ने, जमींदारी को अबोलिश कर दिया कंप्लीटली, तो लेजिस्लेशन का काम दिया। फिर जो है आपका मूवमेंट, मूवमेंट कौन सा, देखिए एक तो मूवमेंट है जिसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई, जैसे कि जो साम्यवादी सरकारें हैं, सीपीआई, सीपीआई सरकारें केरला और बंगाल में थी, उसमें सरकार भी शामिल हो गई, दे कपल्ड विथ पीपल एंड ग्रैब द लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूट द लैंड। ठीक है, तो यह दूसरा नेचुरल था कि उसमें जो लैंड ग्रैब मूवमेंट जो बिहार में शुरू हुआ था, क्या नाम है फिर से सुन लीजिए, लैंड ग्रैब मूवमेंट, भूमि को छीनो, भूमि को छीनो या पकड़ो वाला एक आंदोलन था, और मे बी सम सेज दैट नक्सलाइट वर बिहाइंड इट और इन्वॉल्व्ड इन इट।
उसमें ये भी कहा जाता है कि नेक्स्ट लाइफ भी इन्वॉल्व है उसमें। तो फिर से हम देख लेते हैं, हमने किस पर बात की, तो लेजिस्लेशन के द्वारा, दूसरा मूवमेंट, मूवमेंट दो तरह के, एक तो लैंड ग्रैब मूवमेंट जिसमें नेक्स्ट लाइफ है, और एक मूवमेंट कौन सा जिसमें आपकी सरकार लोगों के साथ आकर भूमि ले रही थी जिनके पास सरप्लस लैंड है उनसे, और डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी दोज हुआ नीडी वन। और जो अंतिम है इको मूवमेंट का तरीका था, दैट वाज भूदान आंदोलन 1951 वाला। विनोबा भावे ने क्या किया कि लोगों को सामाजिक मोरल आधार पर, नैतिक आधार पर भूमि देने के लिए प्रेरित किया, तो भूदान आंदोलन। फिर अगर हम एक्शन की बात करेंगे तो कौन कौन से, लेजिस्लेशन के द्वारा, मूवमेंट, मूवमेंट दो तरह के, मूवमेंट तीन तरह के एक्चुअली, एक सरकार और लोगों के साथ वाला, देन दी नेक्स्ट लाइट और ग्रैंड मूवमेंट वाला, भूमि छीनो वाला, और तीसरा जो बताया सामाजिक और नैतिक प्रेशर वाला, तीन तरह के मूवमेंट हो गए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट हो गए, देन रिफॉर्म्स क्या किए, ये तो स्टेप्स लिए सरकार ने जो किया, तो रिफॉर्म्स एक्चुअली कौन कौन से हुए हैं उनको देख लेते हैं। पहला तो सबसे पहला है आपका एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जमींदारी एक्ट कहता है भारत में जो 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 आपके जमींदार थे वो कहीं ना कहीं भारत की 54%, मैं जरा आंकड़ा बताता हूं आपको कि 7% लोग 54% भूमि को ओन करते थे, और 28% लोग केवल 6% भूमि को ओन ओन करते थे। समझ रहे हो, 7% क्या लोग और भूमि इतनी, 28% लोग और 6% भूमि। तो ये जो डिवाइड है, दैट नीड टू बी ब्रिज, इस पर टैब लगाना था, इसको भरना था, और सरकार ने क्या किया, जो जमींदारी एक्ट है उसके माध्यम से इसको हटा दिया। और वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट कहता है सबसे ज्यादा जो सफल हुआ है वो क्या हुआ है, एबोलिशन ऑफ मीडिएटरीज। सरकार की प्रायोरिटी थी कि सबसे पहले जमींदारों को ही हटाया जाएगा, कि बी जमींदार वर द मेन कल्प्रिट बिहाइंड द एक्सप्लोइटेशन ऑफ टेनेंट, ठीक है। देन है आपका टेनेंसी रिफॉर्म्स। टेनेंसी रिफॉर्म्स में तीन बातों का ध्यान रखा गया। पहला क्या है आपका, जो काश्तकार है, टेनेंट है, उनके अधिकारों की बात कही गई, उनके अधिकारों की बात कही गई कि उनके अधिकार कैसे सुरक्षित रखे जाएं। जैसे कि जो जो पहले जमींदार हुआ करते थे उनसे ओरल एग्रीमेंट हुआ करते थे, मुंह जुबानी बात हुआ करती थी, तो वो कभी भी उनको हटा देते थे। सरकार ने कहा कि अब कोई भी जमींदार उस काश्तकार को, उस किसान को, उस कल्टीवेटर को नहीं हटाएगा जो 12 साल से वहां पर काम कर रहा है। देखिए समस्या यहां पर भी कम नहीं है। जब सरकार ने यह निर्णय लिया, तभी यह खबर आ गई कि लोग क्या कर, जमींदार और लैंडलॉर्ड्स क्या करने लगे कि जो जो कल्टीवेटर्स है उनको शफल करने लगे, उनको 12 साल से पहले, कि 2 साल में इधर उधर करने लगे। इससे वो जो काश्तकार है, किसान है, उस भूमि पर अपना दावा कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है। हालांकि सरकार जिस स्तर पर सरकार ने यह किया उसके भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे हैं। देन द टेनेंट ओनरशिप, सरकार ने कई लोगों को जिस भूमि पर वो खेती करते थे उसकी ओनरशिप भी दी ताकि उनका एक्सप्लोइटेशन ना हो। और इसका सबसे अच्छा प्रभाव क्या पड़ा कि अब काश्तकारों के पास खुद के खेत आ गए थे, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव बढ़ गई थी। अब वो ज्यादा मेहनत करते, ज्यादा उत्पादन करते थे, और जहां जमींदारी खेत में वो काम करते थे, कहीं ना कहीं अब उन पर निर्भरता कम हो गई थी। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर ये हुआ कि जो सामाजिक ऊंचता नीचता वाला जो एक मापदंड है वो कहीं ना कहीं कम हो गया, क्योंकि जमींदार को भी डर बना रहता था कि अगर मैंने इससे बेतुकी बात की या इसको कुछ धुतकार दिया या कुछ मना कर दिया तो कल से ही मेरे यहाँ खेती करने नहीं आएगा। तो जमींदार ये बोलता था कि आप अपने खेत पर काम करने के बाद मेरे खेत पर काम करने आ जाओ। तो कहीं ना कहीं इसने सोशल और इकोनॉमिक ब्रिज है उसको भी भरने का, जो गैप है उसको भी ब्रिज करने का, भरने का प्रयास किया। और अब जमींदार किसानों को अपने उत्सवों में बुलाने लगे और उनके उत्सवों में जाने लगे, तो इट वॉज गुड। देन द एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स रेट, एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स रेट, भारत में जो टैक्स की रेट है वो कितनी हुआ करती थी,
30% से 70% तक, आप समझ रहे हो। कोई व्यक्ति अगर 10 रुपए कमा रहा है तो वो 3 से लेकर 7 रुपए तक राजस्व में या टैक्स के रूप में दे रहा है, तो वो खाएगा क्या और बेच ही क्या लेगा। तो हम देख लेते हैं कि इसको प्लानिंग कमीशन ने रिकमेंडेड करके कितना कर दिया था, 1/4 और 1/5, ठीक है, 25% या 20% प्लानिंग कमीशन ने इसको कर दिया था। तो इट वॉज अ गुड डिसीजन। लेटर ऑन उस पर व्यक्तिगत आयकर भी कृषि से हटा दिया। तो कृषि पर न सिर्फ टैक्स एडजस्टमेंट किया गया, उनकी ओनरशिप राइट सुरक्षित किए गए, बल्कि उनको उनके बल्कि ओनरशिप राइट सुरक्षित किए गए, बल्कि उनके जो बेसिक हित थे खेती करने के, जो पहले चले आ रहे थे, उनको भी सुरक्षित किया गया। टर्म रिफॉर्म्स में है अगला, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ लैंड में दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला, सीलिंग ऑन होल्डिंग्स, ठीक है, जिसकी सीमा थी 27 एकड़। देखिए ये एवरेज है, ये एवरेज है। बाद में जो जो आपका सेंट्रल लैंड कमिटी है, उसने क्या किया, 70-80 के दशक में, 60-70 के दशक में, बाद में इसकी लिमिट कितनी बढ़ा दी, 54 एकड़। तो ये क्या है कि भूमि की जो प्रकृति है वो हर स्टेट में अलग अलग थी, और मध्य प्रदेश में भी ये लिमिट 10 एकड़ से लेकर 54 एकड़ तक थी। आपको एक बंजर भूमि को एक फर्टाइल लैंड से हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट भी वेरी करता था। और यही एक कारण है कि सीलिंग ऑन होल्डिंग, मतलब जो चकबंदी है, सॉरी जो हदबंदी है, उस पर काम करने में सरकार को काफी नुकसान आया। सीलिंग ऑन होल्डिंग मतलब क्या है आपका, कि 27 एकड़ के बाद जो एक एक्स्ट्रा सरप्लस लैंड होगी, इट विल बी टेकन बाय गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूट द नीडी वन, ठीक है, जो सरप्लस लैंड होगी वो ले ली जाएगी और जरूरतमंद है उसको दे दी जाएगी, ठीक है। फिर है आपका कंसोलिडेशन ऑफ लैंड, भूमि की चकबंदी करना, या जो स्कैटर्ड लैंड है उसको इकट्ठा करना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण, हम इस पर भी देख लेते हैं। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की एक लैंड यहाँ पर है, एक लैंड यहाँ पर है और एक लैंड यहाँ पर है, और वो यहाँ पर रहता है, जाहिर है कि वो यहाँ तो 100% गेन कर लेगा, लेकिन यहाँ पर 1/4 और 1/4 लेगा, क्योंकि इस पर वो किसी दूसरे से काम करवाएगा, क्रॉप शेयरर से या फिर जो बटाईदार रहते हैं उनसे काम करवाएगा, तो उसकी जो आमदनी है वो कम हो जाएगी। तो सरकार का कहना था कि इसको दो तरीके से ब्रिज कर सकते हैं। आप दो तरीके कैसे ब्रिज कर सकते हैं, ठीक है, इसके पास वाला जो खेत होगा वो इसको लीज पर ले लेना चाहिए, इसको लीज पर ले लेना चाहिए, या फिर जो छोटे छोटे फार्मर हैं उनको कोऑपरेटिव फार्मिंग का सहारा लेना चाहिए, सहकारी कृषि का। सहकारी कृषि का मतलब है कि जो सामूहिक खेती करना, सहकारी कृषि का मतलब क्या है, सामूहिक खेती करना और उसके जो लाभ है उसको बराबर बराबर बांट लेना। उससे क्या है, जब एक साथ इनपुट कॉस्ट आती है तो इनपुट छोटी हो जाती है, और जो आउटपुट होता है उसका, प्रॉफिट आउटपुट होता है, इट वुड बी ह्यूज, वो ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो सीलिंग ऑनलाइन, कंसोलिडेशन ऑनलाइन, तो इन पर काफी ज्यादा विवाद के विषय हैं। जैसे कि आप सीलिंग ऑन लैंड, सीलिंग ऑन होल्डिंग्स पर देखिए, जो जोत है उन पर जो हदबंदी लगाई गई है उस पर देखिए कि 27 एकड़ के बाद भी कई लोग क्या है कि बेनामी ट्रांसफर करने लगे थे। क्या करने लगे थे लोग, बेनामी ट्रांसफर लगे, किसी ने अपने गुमनाम भाई के नाम भूमि ट्रांसफर कर दी। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सरकार की योजना कहीं ना कहीं फेल होने लगी। तो सरकार ने फिर क्या किया कि जो प्लांटेशन है उसको कंसिडर किया, कि जो प्लांटेशन है, जो आपके बागान है, जो फलों के बाग हैं, उनको 27 एकड़ की लिमिट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर उन पर कोई बागान है या आपका बाग है, तो उसको 27 एकड़ के बाद भी आप अपने पास रख सकते हो। लेकिन जैसा कि जो होता है, सरकार कुछ बोलती है उससे पहले ही लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो डाल डाल में पाद पाद वाली स्थिति। तो लोगों ने रातों रात कई सारे प्लांटेशन कर लिए, फिर सरकार को समझ में आया ये तो गड़बड़ हुई। तो सरकार ने फिर डिसीजन लिया कि केवल पुराने बागों को कंसिडर किया जाएगा, नए बागों को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं। फिर क्या है कि फैमिली कितनी बड़ी हो, बाद में जो सेंट्रल लैंड कमेटी है उसने भी फिर किया, 5 लोगों की एक यूनिट बना दी फॉर जस्ट मेकिंग द लॉ,
लॉ के अनुसार इनको इंप्लीमेंट करने के लिए फाइलों की एक यूनिट बना दी, तो कई सारी चीजें सामने आती रही बाद में। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड को कैसे किया उन लोगों ने, कैसे सक्सेस बनाया, हालांकि इतना सक्सेस है नहीं ये, क्योंकि आप किसी लैंड को कंसोलिडेट कैसे करोगे। भारत में सिर्फ एक पेड़ लगाने से उससे आत्मीयता और इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है लोगों का, ठीक है। या तो सदियों से आप खेती कर रहे हो, उस भूमि पर आप कैसे छोड़ सकते हो, और दूसरी भूमि कैसे ले सकते हो, ये छोड़कर क्योंकि आपका खेत दूसरी भूमि के पास है तो आप कैसे जा सकते हो। फिर फर्टिलिटी का भी इशू है, फिर फर्टिलिटी का भी इशू है, फिर पानी का भी इशू है, किस खेत के पास सिंचाई है, किसके पास नहीं है। तो आप लोगों से बोलो कि आप ये खेत छोड़कर वो वाला खेत ले लो, क्योंकि वो आपके खेत के साथ हो जाएगा, दो खेत आपके साथ हो जाएंगे। तो आप बोलोगे नहीं, उस खेत में तो पानी है और उस खेत में मेरे पूर्वज सदियों से काम करते रहे, मैं उसको नहीं छोड़ सकता। तो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड वाज अ टफ टास्क, और माना जाता है कि ये और ये दोनों ही अनफिनिश्ड टास्क रहे हैं। सिर्फ जो सबसे सक्सेसफुल रहा है वो है अबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। देन द आउटकम ऑफ रिफॉर्म्स, देखिए आउटकम ऑफ रिफॉर्म्स में सबसे सफल रहा है वो है आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे अच्छा रहा है वो है आपका लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। एक आई एम मिसिंग द नंबर्स, जो आंकड़ा है कि किन किन को लैंड मिल गई, मैं आपको बाद में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कितने लोगों को कितनी लैंड मिली, ठीक है। द आउटकम ऑफ रिफॉर्म्स में क्या है, एवोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज, जो मध्यस्थ है उनका उन्मूलन तो सही रहा, ठीक ठाक हो गया, लेकिन जो सीलिंग ऑन होल्डिंग्स और कंसोलिडेशन ऑफ लैंड अनफिनिश्ड टास्क है, इनमें कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। और ड्रॉबैक्स ऑफ रिफॉर्म्स वन बाय वन देख लेते हैं, ड्रॉबैक्स ऑफ रिफॉर्म से वन बाय वन देख लेते हैं, तो क्या रहे इनके ड्रॉबैक्स। देखिए सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक्स रहा था इसका, कि हमारे यहाँ पर्पस में क्या था, पावर्टी इराडिकेशन, स्टारवेशन और डेथनेस से मुक्ति, किसान अभी भी संकटग्रस्त है, ठीक है। क्या दिक्कत है, अभी भी पावर्टी एग्जिस्ट कर रही है, पावर्टी 30% लोग गांव के आज भी गरीब है, 30% लोग गांव के आज भी गरीब हैं, डेटनेस की स्थिति बनी है, ठीक है, डेटनेस की स्थिति बनी है, कर्ज की स्थिति अभी बनी हुई है, और भारत में तभी तो किसान लगातार सुसाइड कर रहे हैं, और उसका आंकड़ा हम दे चुके हैं, सिर्फ 2013 से 17 के बीच में प्रतिवर्ष 12,000 किसान सुसाइड कर रहे हैं। और महाराष्ट्र का आंकड़ा हमने बताया था कि महाराष्ट्र में 2,518 लोगों ने 2018 में, और 2,532 में, 2019 में 2,532 लोगों ने सुसाइड किया, 2018, 2,518, 2019 में 2,532 लोगों ने सुसाइड किया, ठीक है। हॉरिबल नंबर्स। फिर और क्या ड्रॉबैक है, कि जो प्लांटेशन का नियम है उस पर काफी झोलझाल किया गया, और लोगों ने क्या प्लांटेशन के नाम पर काफी जमीन रिटेन कर ली, ठीक है, प्लांटेशन वाला मुद्दा। फिर जो अगला मुद्दा है वो है आपका बेनामी नेम, प्लांट बेनामी, जो किसी किसी दूसरे व्यक्ति को गुमनाम नाम से भूमि ट्रांसफर कर देते थे, उससे क्या है, जो कैप ऑन द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स, जो भूमि पर सीलिंग लगाई गई है, सॉरी जो जो कैप साइज ऑन सीलिंग ऑन होल्डिंग जो लगाई गई है, 27 एकड़ से बढ़कर कई जगह हो गई, और इससे बहुत बड़ा फेल्यूअर्स रहा है, क्योंकि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, यह स्टेट टू स्टेट वेरी, ठीक है। और सबसे स्टेट टू स्टेट वेरी कैसे करता था, क्योंकि इट वॉज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, जो कृषि है जो आर्टिकल है वो किसका सब्जेक्ट है, वो राज्यों का है, तो राज्य अपने हिसाब से इसको लागू करते थे। तो दीज वर द कंप्लीट लेक्चर, हम देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे बने हैं इस पर, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां से शुरू करते हैं, ब्रिटिश, ठीक है, जो लैंड ओनिंग सिस्टम था वो किस तरीके था, तरीके का था, हम इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है। डिस्कस द लैंड ओनिंग सिस्टम इन ब्रिटिश एरा, ब्रिटिश काल में जो भूमि का पैटर्न था, भूमि के मालिकाना हक का जो तरीका था वो किस प्रकार का था उसको बताइए, ठीक है, और उसके क्या आउटकम हुए हैं, उसके क्या प्रभाव हुए हैं, क्रिटिकली एनालाइज, उनका समालोचनात्मक चर्चा कीजिए। देन है आपका भारत में लैंड रिफॉर्म्स के कारण क्या थे, कारण फैक्टर्स को आप असिमुलेट कर सकते हो, मिला सकते हो, जो कारण है वो विरासत
चले आ रहे हैं, और जो जो पर्पस जो पॉजिटिव साइड्स है वो कहीं ना कहीं अच्छे कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए पॉजिटिव साइड्स लिए गए हैं। तो व्हाट वर द स्टेप्स टेकन फॉर द अपलिफ्टमेंट और रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर सेक्टर, हम उनकी बात कर लेंगे। एक्शन एक्सपेरिमेंट यहाँ पर लिए गए तो कौन से कदम उठाए गए और रिफॉर्म्स में कौन कौन से रिफॉर्म्स किए गए, ठीक है। व्हाट वर द रिफॉर्म्स वर टेकन बाय द और इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, हम रिफॉर्म्स की बात कर ली। देन है आपका व्हाट वर द आउटकम ऑफ एग्रीकल्चर सॉरी लैंड रिफॉर्म्स, तो उनके रिफॉर्म्स की बात कर ली हमने यहाँ पर। देन ड्रॉबैक्स ऑफ रिफॉर्म्स, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ द रिफॉर्म, उनकी जो जो रिफॉर्म्स है लैंड रिफॉर्म्स थे उनकी कमियां क्या थी, उन पर भी हमने बात कर ली। तो जो हमारा लेक्चर है इट इज विद द होलिस्टिक अप्रोच, और हमने 360 डिग्री कवर करने का प्रयास किया है, और आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर पर। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।